अभी मैं आपको विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले विजुअल बेसिक की आईडी के बारे में जानकारी दूंगा। विजुअल बेसिक आईडी यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। विजुअल बेसिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले प्रोग्राम्स में जाकर विजुअल स्टूडियो में जाते हैं। ये एक पैकेज होता है जिसके अंदर विजुअल बेसिक 6.0 हमको मिलता है। विजुअल बेसिक 6.0 को जब हम ऑन करते हैं तो हमारे सामने तीन चार स्टेप्स के बाद हमें आईडी विजुअल बेसिक का आईडी ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको विजुअल बेसिक के आईडी के बारे में बताता हूँ। आईडी जो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ हम अपने प्रोग्राम को हम अपने एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। और तो सबसे पहले कैसा दिखता है हमारा आईडी विजुअल बेसिक का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो विजुअल बेसिक का जो आईडी है वो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, एक समझ आइए कंप्यूटर पर हम लोग आईडी ओपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल बार, सबसे पहले विजुअल बेसिक में आईडी में टाइटल बार हमको दिखाई देता है जो लिखा रहता है प्रोजेक्ट वन के नाम से, प्रोजेक्ट वन। इसके बाद हमारे पास आता है मेन्यू बार, मेन्यू बार आप लोगों ने बहुत सारे उसमें देखा होगा, डिफरेंट फाइल, एडिट, व्यू, एमएस एक्सेल या आपने वर्ड यूज किया होगा तो भी आपको मेन्यू दिखाई देता है, वैसे सेम मेन्यू दिखाई देता है यहाँ पर। और नीचे आता है एडिट, यहाँ पे रहता है एडिट, सॉरी टूल बार हमको यहाँ पे दिखाई देता है। टूल बार में ये कुछ शॉर्टकट टूल्स हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। विजुअल बेसिक में मेन जो रहता है, अब विजुअल बेसिक के इस साइड में हमको कंट्रोल बॉक्स प्रोवाइड करता है। बीच में फॉर्म डिजाइनर अवेलेबल होता है, ये हमारे सामने फॉर्म डिजाइनर होता है इस प्रकार, जो एक्चुअली ये छोटा सा एक बॉक्स हमको डायलॉग बॉक्स जो दिखाई देता है ये है फॉर्म डिजाइनर, और ये हमको दिखाई देता है फॉर्म वन के रूप में। यहाँ पे ये बाई डिफॉल्ट हमको फॉर्म वन दिखाता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हम ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साइड में इस साइड पे हमको दिखाई देता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, इसको हम लोग प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बोलते हैं। इसके नीचे प्रॉपर्टीज विंडो, यहां पे हमको दिखाई देता है प्रॉपर्टीज विंडो, और नीचे में दिखता है फॉर्म लेआउट, फॉर्म लेआउट। ये हमारा आईडी है। इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट, यहाँ पे टाइटल बार में प्रोजेक्ट वन दिखाता है क्योंकि हमारी बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट वन के नाम से रहता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो फॉर्म डिजाइनर है, इसको हम जो बोलते हैं फॉर्म वन जो लिखा हुआ है वो है फॉर्म डिजाइनर, ये फॉर्म वन है। ऐसे हम फॉर्म वन, फॉर्म टू, फॉर्म थ्री, फॉर्म फोर, फॉर्म फाइव, ऐसा हम लोग बहुत सारे फॉर्म अवेलेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये फॉर्म वन हमको प्रोवाइड करता है। ये है मेन्यू बार जिसमें आपको फाइल, एडिट ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मेन्यू आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर एक बीच में एक प्ले का बटन रहेगा, एक स्टॉप का बटन रहता है और एक ब्रेक का, ये जो है स्टॉप बटन, ये ब्रेक और ये प्ले का बटन हमको अवेलेबल कराता है। इसमें यहाँ पे हमको ध्यान देंगे, यहाँ पर जो मेन जो प्रोजेक्ट हमारा ये प्रोजेक्ट वन जो है वो फॉर्म वन को डिजाइन करने के लिए, एक्चुअली पूरी की पूरी चीज को हमको डिजाइन करनी होती है। जब हम रन कराते हैं तो हमें पूरा ये आईडी नहीं दिखाई देता, ये जस्ट हमें जब हम कोडिंग टाइम पर, हमारे डिजाइन टाइम पर ही हमको ये चीज दिखाई देती है। इन सब आईडी के थ्रू हम लोग फॉर्म को डिजाइन करते हैं, और जब हम प्ले बटन को यूज करते हैं या F5 बटन यूज करते हैं, यानी कि हम प्रोग्राम को हम जब रन कराना चाहते हैं तब वहाँ पर हम लोग को ये जो फॉर्म वन जो दिख रहा है वही चीज रन होती है। तो सबसे पहले ये चीज दिखाई देती है। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रोल्स, जो मैंने साइड में एक और दिया हुआ है वो क्या है, कंट्रोल बॉक्स है। कंट्रोल बॉक्स में बहुत सारे कंट्रोल्स हमको यहाँ पे देता है, जैसे पॉइंटर है, पिक्चर बॉक्स है, यहाँ पे आपको मिलेगा लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन, स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, टाइमर, ढेर सारे करीबन 17-18 आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको टूल्स हमको यहाँ पे अवेलेबल करा देगा। इसके बाद हम जब ये जो चीज़ हमको डिजाइन करनी होती है वो ये यहाँ के लिए डिजाइन करनी होती है। तो इसमें ये है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर करता क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्लियरली। ये आईडी है और आईडी का मेन काम है इस फॉर्म को डिजाइन करना,
इस फॉर्म को डिजाइन करना, और इसमें बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। यदि मुझे बटन बनाने हैं, मुझे कुछ चीज़ें स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार या वर्टिकल स्क्रॉल बार, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, ये सारी चीज़ें यदि लगानी है तो मुझे कुछ करना नहीं है, क्लिक करना है, ड्रैग करके मेरे को यहाँ पे फॉर्म डिजाइनर में डाल देना है। इस प्रकार से मैं इसको डिजाइन कर सकता हूँ। ये है हमारे सामने, इसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूँ, ये फॉर्म डिजाइनर। यहाँ पे ये है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज विंडो और फॉर्म लेआउट, ये तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या करता है। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हमारे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करके बताता है, हमारे जो हम जो कोडिंग कर रहे हैं, हम जो प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, उसको पूरा एक्सप्लोर करके बताता है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, एक्सप्लोर करके बताता है। तो बाई डिफॉल्ट हमको सबसे पहले, मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्म वन, ये जो फॉर्म वन जो बना हुआ है, ये फॉर्म वन बाई डिफॉल्ट जैसे ही हम ऑन करते हैं आईडी, तो फॉर्म वन हमको अवेलेबल करा के दे देता है। इसमें हमें फॉर्म वन जो हमको दिखा रहा है, हम मैंने आपको ये बताया था फॉर्म टू भी आ सकता है, फॉर्म थ्री भी आ सकता है, फॉर्म फोर भी आ सकता है। ये बाय डिफॉल्ट क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा प्रोजेक्ट वन के अंदर फॉर्म वन दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉर्म वन है। इसी प्रकार से मैं फॉर्म टू, फॉर्म थ्री, फॉर्म फोर, फॉर्म फाइव ऐसा मैं ऐड कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फॉर्म वन मेरे को दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल जब स्टार्ट करते थे स्टार्टिंग में फॉर्म वन रहता है। तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, यदि मेरे पास फॉर्म टू, फॉर्म थ्री, फॉर्म फोर, तो मैं बता दूं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फॉर्म टू, फॉर्म थ्री ऐसे करके ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखाने लगेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, ये एक्सप्लोर करके बताता है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ क्या है, फॉर्म वन, इसलिए सिर्फ क्या दिखाएगा, फॉर्म वन हमको दिखाएगा, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज विंडो क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर्टी होता है। मैं यदि यहाँ पे बात करता हूँ फॉर्म का, तो फॉर्म की प्रॉपर्टी दिखाएगा। यदि मैं यहाँ पे कोई बटन यूज करता हूँ तो बटन की प्रॉपर्टी दिखाएगा, कमांड बटन यदि मैं यूज करता हूँ। यदि मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज करता हूँ तो मैं जैसे सेलेक्ट करूंगा तो उसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा। इस प्रकार से पूरी प्रॉपर्टीज दिखाता है, और हर ऑब्जेक्ट मैं इसको किसको बोलूंगा, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में, उसको मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट बोलूंगा, और उस ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टीज दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज विंडो में ढेर सारी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। यहाँ पर सपोज मैंने अभी फॉर्म वन को सेलेक्ट किया, तो फॉर्म वन यहाँ लिखा रहेगा और फॉर्म वन की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। आगे ये हम क्लास में हम ये भी देखेंगे कि कितने प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, कैसी होती है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो ये है, ये फॉर्म वन के बारे में पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज के नाम रहेंगे। मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू सेट कर सकता हूँ साइड में, जो राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के नाम है और साइड में वैल्यूज हम उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको भी बारे में बताऊंगा। यहाँ पर हमारे सामने है फॉर्म लेआउट। फॉर्म लेआउट क्या करता है, हमें फॉर्म लेआउट हमारे फॉर्म जब हम रन करा रहे हैं उस टाइम पर फॉर्म पूरे स्क्रीन पर फॉर्म कहाँ पर दिखेगा। सपोज मैं एग्जांपल के लिए कंप्यूटर में ये समझिए, आपका यहाँ पे कंप्यूटर है, जब मैं रन कराऊंगा तो रन होगा, तो जब रन होगा तो फॉर्म वन रन होगा, तो फॉर्म वन जो है वो पूरे स्क्रीन पर दिखेगा कि मुझे सिर्फ यहाँ दिखाना है, कि मुझे यहाँ दिखाना है। तो उसके लिए मैं पहले से ही मुझे यहाँ पे फॉर्म दिखाएगा, मेरे को सिर्फ ड्रैग करके, ये कंप्यूटर जैसा दिखता है यहाँ पर, कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह से, मैं उस स्क्रीन पर उस जगह में जाके मैं उसे ड्रैग करके ले जा सकता हूँ। और ड्रैग करके जब मैं ले जाऊंगा, मान लीजिए मैं यहाँ ड्रैग करके यहाँ ले जाता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, रन कराऊंगा तो इस जगह में दिखेगा। सपोज मैं उसको इस जगह ले जाऊंगा तो इस जगह दिखेगा। तो मैं रन होने के पहले ही मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा फॉर्म किस जगह में शो होना चाहिए, किस जगह में उसकी जरूरत है स्क्रीन पर, वो चीज़ मैं वहाँ पर शो कर सकता हूँ। तो ये है आईडीई के बारे में। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी, मैं आगे की क्लास में आपको बताऊँगी कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, पॉइंटर है, पिक्चर बॉक्स है, इमेज बॉक्स है, डेटा कंट्रोल है, कमांड बटन है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, और फ्रेम है, और एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लास में मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे ये हो जाता है कंप्लीट।